इसने सारे बाल उड़ा लिए आज, सारे बाल टकलू बन गए गाइज। गुड मॉर्निंग, सबसे पहले आप सभी को संगीता गौड़ उत्तराखंडी का प्यार भरा प्रणाम। मैं संगीता गौड़ उत्तराखंडी आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइज अभी बज रही है सुबह की 7 बज रही है, तो आज हम जल्दी से तैयार होके जा रहे हैं सदर की तरफ, क्योंकि मुझे ना अपनी शॉप के लिए कॉस्मेटिक का सामान लेके आना है। तो हम सदर की तरफ जा रहे हैं और मेरी छोटी बहन उषा भी और स्वाति भी, हम तीनों लोग जा रहे हैं और बच्चे ना घर में ही रहेंगे, क्योंकि आज ना प्रकाश की भी छुट्टी है, मतलब बच्चों की देख रेख वो कर लेंगे। तो हम अभी जा रहे हैं और अभी मैं पी रही हूँ सुबह की चाय। तो चाय बनाई है, चाय पी के हम जा रहे हैं। तो गाइज आप लोग वीडियो पे बने रहें, जैसी भी वीडियो बनेगी आप लोगों को पूरा दिखा। अभी हम तीनों लोग ही यहाँ पे पहुँच चुके हैं और हम जो हैं कि ऑटो से होके आए, तीनों ही हम ऑटो से होके यहाँ पे पहुँच चुके हैं और अभी हम मेट्रो का इंतज़ार कर रहे हैं। और हमें मेट्रो से ना चांदनी चौक तक हमें मेट्रो से ही जाना होगा, और सदर से जो है कि थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक का सामान भी आ जाता और जल्दी से पहुँच ही जाएँगे हम, क्योंकि हम जल्दी घर से आ चुके थे, 7 बजे निकल चुके थे घर से। तो हम टाइम पर ही पहुंच जाएंगे और टाइम पर ही हम ख़रीदारी कर लेंगे, क्यों ऐसे में तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं चांदनी चौक में, अब हम जा रहे हैं सदर की ओर कॉस्मेटिक का सामान लेने के लिए। झोला दे रखा उषा के पास और ये है दर्शक गांव देखने वाले। तो क्या बोलते हैं, 3 दिन से कुछ खाना नहीं खाया है, सामान लेने के चक्कर में घुमाया जा रही है मेरे को, हमें ये 2 दिन पहले गए थे हम गांधीनगर, वहाँ से वहाँ भी कुछ नहीं खाया हमने, यहाँ भी कुछ नहीं खाया है, मतलब भूख से मतलब पानी पिया होगा मैंने 3 घूंट बस, ना मैंने रोटी चटनी खाई, ना मैंने चाय पी, मैंने कुछ नहीं करा, तो टाइम ही नहीं मिला वहाँ पे पकड़े थे, टाइम ही नहीं मिला। तो देखो गाइस, देखो गाइस जो सूख रही है। तो हम अभी पहुंच चुके हैं और सबके पास एक एक झूला रखा हुआ है, तीनों ने एक एक झूला डाल रखा है और गर्मी भी बहुत हो रही है और थकान भी बहुत ज़्यादा लग गई है। हम मेट्रो से वापस ही जाएँ घर के लिए, वापस जा रहे हैं मेट्रो से ही। तो एक एक झूला ये सबके पास है और सबने अपने अपने पास एक एक झूला रख रखा है। से आते आते बहुत ज़्यादा थकान भी लग गई है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अभी देखो ये इतना भारी हो रहा है कि ले जाना भी मुश्किल हो रहा है इसमें। सदर से जो है कि कॉस्मेटिक का सामान लेके आ गए हैं अभी और यहाँ अपने रूम पे पहुँच चुके हैं हम अभी। तो
वहाँ तो बनाने का टाइम नहीं लगा क्योंकि वहाँ भीड़ ज़्यादा होती है और कॉस्मेटिक का सारा सामान लेके पहुँच चुके हैं यहाँ पे। तो हम सबके पास एक एक झूला रखा हुआ था कंधे में टांग करके, तो बड़ी मुश्किल से भी पहुँच चुके हैं और बहुत गर्मी हो रही है गर्मी की वजह से भी। अंदर रूम में रख दिया है। तो जो जो सामान मैं लेके आई हूँ आज, तो मुझे थकान लग गई है, अभी नहीं दिखाऊंगी। तो जो अगली आने वाली जो अगली वीडियो होगी उसमें मैं आपको सारा कॉस्मेटिक का सामान दिखा लूँगी और इसके बाद हम फ्रेश होकर खाना खुना खा लेंगे। तब और हनु को देखो तो इनके साथ में ये खेलने के लिए आए हैं और उसका नाम क्या है? छवि। ये छवि है जो कि तपो को गोद में उठाई हुई है। और ये आपका नाम, आपका नाम क्या है? आपका नाम मानवी। ये मानवी है। तो ये इनके साथ खेलने के लिए आ गए हैं, हमेशा यहाँ पे खेलने आ जाते हैं। तो गाइस जो है कि शाम की 5 बज रही है, तो है 5 या 6 बज गए होंगे। तो क्या है ना गाइस, मैं ये ब्लॉग में नहीं हूँ, आई हूँ मैं इनकी वो क्या लगती हूँ तो आपको जो ही आप बुलाते मैं तो गाइस। अभी जो है कि हम सुबह से तो गए थे, हम सदर बाजार गए थे, वहाँ से थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक का सामान लेके आए। तो हमने उसके बाद जल्दी आ गए थे, फिर खाना वगैरह खा करके नहा धो करके, फिर अभी शाम की 6 बज रही है और हम छत में आए हैं घूमने के लिए। हेलो गाइस, मैं ब्लॉक में नहीं आई हूँ, मैं हनू और टप्पू को छत पे लेके आई हूँ और ये दोनों खेल रहे हैं। देखिए गाइस, देखिए ये मेरी बहन के पड़ोसी हैं और आंटी बुलाती है। और यहाँ पे लड़कियों का भी लड़कों से लेके, तो इसलिए इतने सारे बाल उड़ा लिए आज, सारे बाल तक लग गए। ये देखो पूरा गाइस गौर सिटी है। देखो सारे बच्चे यहाँ बाहर खेल रहे हैं, यहाँ पे और बच्चे कहाँ चले गए बाहर। तो गाइस जैसे कि 2 दिन पहले गई थी मैं गांधीनगर में, गई थी तो गांधीनगर में सुबह चले गए थे हम, 8 बजे चले गए थे और उसके बाद हम शाम के 9 बजे हम घर में पहुँचे शाम के। तो कपड़े छानते छानते दिन का पता भी नहीं चला और खाना पीना वगैरह भी नहीं खाया वहाँ पे, क्योंकि कपड़े शॉप के लिए कपड़े छाने, तो कपड़े छानते छानते टाइम ही नहीं मिला। तो गाइस आज तो हम जल्दी आ गए थे, आज मैं सदर में गई, आज मैं वहाँ से कॉस्मेटिक लाई। तो 2 दिन पहले जो है कि गांधीनगर और चांदनी चौक गई थी कपड़ों के लिए, तो अभी जो है कि कॉस्मेटिक। तो आज तो उतनी ज़्यादा थकान भी नहीं लगी क्योंकि जिस दिन गांधीनगर था ना उस दिन बहुत थकान लग गई थी। और क्योंकि गांधीनगर गौर सिटी से बहुत दूर है, हाँ गौर सिटी, 3 मेट्रो चेंज की, 2 ऑटो गौर सिटी से सदर बाजार, यहाँ से उन वो मेट्रो से गए थे, 3 मेट्रो चेंज किया ना, तीन मेट्रो से वो गए थे, फिर उसके बाद ऑटो यूज किया थे, फिर आधे समय ऑटो बुक करना पड़ा। और सामान लेके मैंने यहाँ पे अभी रूम पे रखा हुआ है, तो मैंने ट्रांसपोर्ट नहीं किया, उतना ज़्यादा सामान भी नहीं था, नहीं तो मुझे ट्रांसपोर्ट करना पड़ता था, कम ही सामान है। तो मैं अपने साथ गाड़ी में लेके जाऊँगी और उत्तराखंड लेके जाऊँगी, तो उत्तराखंड चमोली लेके जाऊँगी। तो ये देखो ये खेल रहे हैं, इनके साथ अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा, मुझे बच्चों के साथ अच्छा ही लगता है खेलना। तो मैं बच्चों के साथ, मेरे सारे दोस्त ये तीनों के तीनों जो आपको दिख रही है, मेरे सारे दोस्त हैं। और ये हनु, हनु और टप्पू भी खेल रहे, देखो ये मेरा हनु मां तो ठाक था उसको, झाड़ू नहीं बोलते उसे, देखो हमारी टप्पू, टप्पू ने साथ चप्पल ही छोड़ दिया उधर ना, अभी ये चप्पल की मार खाएगी। हनु ने बोल दिया देखो, नहीं ये गाइस ये दो मेरे दोस्त खड़े हैं पीछे पीछे छुप छुप के, इन लोगों को देखने का मन। तो आपको जो ही आप बुलाते मैं तो वो भी बुलाऊंगी।